गुस्ताख रसूल नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, सरजनिश की है कि नूपुर शर्मा के सबब जो है मुल्क में फसादात बरपा हुए, तशद्दुद बरपा किया गया। लेकिन उसके बावजूद नूपुर शर्मा के जो ख़िलाफ़ मुजाहरे किए गए हैं, नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो बयान दिए गए हैं, उनको तो गिरफ़्तार किया जा रहा है, लेकिन अब भी नूपुर शर्मा आज़ाद है। क्या यही हिंदुस्तान का कानून है कि जो फसाद की जड़ है वह आज़ाद रहें, और जो उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे करें या उसके ख़िलाफ़ ये कहे कि उसने जो बयान किया है वो गलत बयानी से काम लिया है और उसने जो है मज़हबी जज्बात को मजरू किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, तो ऐसे में नूपुर शर्मा अब तक आज़ाद है क्यों? ये मामला इस वक्त भी सामने आया था जब उदयपुर की घटना सामने नहीं आई थी। उदयपुर में वैश्याना हरकत के बाद इस मामले को खामोश कर दिया गया है। जिस तरह से उदयपुर में दो सरफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के नाम पर एक बेकसूर टेलर और दर्जी का कत्ल कर दिया, उसके बाद नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी के जो मुतालबात हैं वो कम हो गए और उसमें शिद्दत ख़त्म हो गई। बताया ये भी जाता है कि नूपुर शर्मा के हिमायत में अब हिंदू तंजीमें एहतजाजात कर रही हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ नारे लगाए जा रहे हैं। बताया ये जाता है कि जिस तरह से हालात तब्दील हुए हैं वो एक तशवीश का पेश खेमा है। बताया ये जाता है कि जिस तरह से पहले मुसलमान नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी के लिए मुजाहरे कर रहे थे, मुतालबात किए जा रहे थे, हुकूमत भी जो है इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब से उदयपुर और अमरावती में कत्ल का मामला सामने आया उसके बाद से नूपुर शर्मा पूरी तरह से महफूज हो चुकी है। अब पुलिस उसे गिरफ़्तार करने के मूड में नज़र नहीं आती और ना ही उस पर कानूनी कार्रवाई का कोई शिकंजा कसते हुए नज़र आ रहा है। बताया ये जाता है कि दिल्ली पुलिस ने तो आम मामलात की तरह इस मामले को दबाने की इस तरह से कोशिश की है कि मुसलसल उसके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं, बयानात कलमबंद किए जाने के बाद जो है वह गेज़ेट निकाले जा रहे हैं, तफसीलात खोजी जा रही है, तलाश की जा रही है। बस जबकि ये मामला पूरा आया है कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की थी वो आम है, उसने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन माफ़ी के अलावा भी जो है कानून अपना काम करें इसके मुतालबात जो है मुसलमान कर रहे थे, लेकिन मुसलसल जो है कार्रवाई के मुतालबात के बाद अब जो है पूरी तरह से खामोशी है। जबकि नूपुर शर्मा के वजह से मुल्क में तशद्दुद बरपा हुआ, हिंदुओं और मुसलमानों में नफ़रत का माहौल तैयार हुआ और ये हालात जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। इसका फ़ायदा जो है अब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें उठा रही है, वो इस सिलसिले में जो है मूवमेंट चला रही है, हिंदुओं को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा कर रही है, और ऐसे में जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ माहौल तैयार किया जा रहा है। क्या सरकार को और पुलिस को इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात से बाखबर है कि हिंदू जो है अब मुतहिद होकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। जिस तरह से NIA ने पिछली मरतबा जो प्रेस रिलीज़ जारी की वो भी किसी IT सेल का ही तजुर्बा था। जिस तरह से उन्होंने कहा था IT सेल में कि सर तन से जुदा वाले नारे के ख़िलाफ़ जो है वो NIA तक को अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं, जबकि NIA ने इसे झूठा करार दिया। बताया ये जाता है कि एक नफ़रत का माहौल तैयार करने की साजिश रची जा रही है, जिसमें कई शिद्दत पसंद तंजीमें और इसमें जो है कई ऐसी तंजीमें हैं जो नूपुर शर्मा की हिमायत की आड़ में मुल्क में तशद्दुद बरपा करना चाहती है और हिंदुओं मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की एक साजिश को अमल में लाया जा रहा है। इसलिए अब बेहतर यही होगा कि सरकार को दस्तूर के मुताबिक नूपुर शर्मा को गिरफ़्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ़ कानूनी शिकंजा तैयार करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी हरी झंडी दे दी है। अब इंतज़ार किस बात का है, देखना यह है। बताया ये जाता है कि नूपुर शर्मा के गिरफ़्तारी के लिए जो है मरकज़ी सरकार राज़ी नहीं है और मरकज़ी सरकार कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव डाल रही है और पुलिस भी जो है मरकज़ी सरकार के दबाव में है। ऐसे में मामलात और भी ख़राब हो सकते हैं, लेकिन खामोशी इस मामले में मानी खेज है। जब तक मामला जो है नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी का ज़ोर पकड़ा था जब जो है वो सरकार दबाव में थी, लेकिन अब जो है जब से उदयपुर का वाकया सानिया सामने आया, अमरावती में इस तरह के हालात हुए, तो हालात जो है पूरी तरह से बदल गए हैं। अब नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी के मुतालबात में शिद्दत कम हो गई है, लेकिन हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो है अब नूपुर शर्मा की हिमायत में और हिंदू
हिंदुज़म की हिफाजत के आड़ में मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाजात कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ पैगाम आम किए जा रहे हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक पहलू है जिस पर सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इससे हालात ख़राब होने का भी अंदेशा है। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट।